विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पेज नंबर 142 पे दिया गया सवाल नंबर 14 आज करेंगे। पिछले लास्ट दो लेक्चर के अंदर मैंने आपको पुनर्मूल्यांकन खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते के ऊपर से रोजनामचा तैयार कैसे करते हैं उसके सवाल करवाए थे। आज अपने एक सवाल लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपको पक्की तल पर दी गई है, पुनर्मूल्यांकन खाता दिया गया है और इसके ऊपर से आपको साझेदार का पूंजी खाता और पुनर्मूल्यांकन के बाद की पक्की तल पर तैयार करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल के अंदर क्या चीज़ दी हुई है। तो यहाँ आप विद्यार्थी मित्रों, आप देखते होंगे कि तत्तु, दया और तारक की तारीख 31/3/2014 की एक पक्की तल पर दी गई है और पुनर्मूल्यांकन खाता ऑलरेडी आपको दिया गया है। नीचे एक समायोजन दिया गया है, कार्यकर अकस्मात मुआवजा का दावा कितने का है, 5,000 का, और इसके ऊपर से आपको साझेदार का पूंजी खाता और एक पक्की तल पर तैयार करनी है पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद की। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट तैयार किया आपने साझेदार का पूंजी खाते का। यहाँ साझेदार का पूंजी खाता जब भी तैयार करो तो विवरण जितने साझेदार दिए हैं उसके अनुसार दत्तु, दया और तारक के कॉलम तैयार किए। यहाँ पर भी विवरण दत्तु, दया और तारक। विद्यार्थी मित्रों, खास ध्यान रखो, ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ इसी प्रकार का सवाल आपको चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी करना है, जिसके अंदर आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी या चालू खाता, रोकड़ खाता और आर्थिक चिट्ठा या पक्की तल पर तैयार करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप पक्की तल पट और समायोजन को लेकर पूंजी खाता और नया आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं तो उस समय सबसे पहले पक्की तल पट के संपत्ति लेने के फॉर्मेट से अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको देखिए बिन चालू संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ दी गई है। इसके अंदर वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं, अपने जमा पक्ष में, और कमी होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं, उधार पक्ष में। जब भी आपकी संपत्ति में वृद्धि हो तो वृद्धि को संपत्ति में प्लस किया जाता है और संपत्ति के अंदर यदि कमी हो तो उस कमी को संपत्ति में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संपत्ति लेना की तरफ। यहाँ से आपको सभी संपत्तियों को देखना है वृद्धि कमी, जिनकी वृद्धि कमी नहीं हुई उनको आर्थिक चिट्ठे में डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। तो सबसे पहले बिन चालू संपत्ति टाइटल के नीचे आपको क्या दिया गया है, जमीन मकान। तो संपत्ति लेना की तरफ जमीन मकान करके अंदर आपको जितनी रकम दी है उसको अंदर रखेंगे। जमीन मकान करके आपको कितना दिया है, 90,000, तो यहाँ लिखेंगे 90,000। अब यहाँ देखिए पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में जमीन मकान खाता दिया है कितना, 10,000। तो जमा तरफ दिया यानी क्या हुई, वृद्धि। तो वृद्धि को अपने क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 10,000 की। तो 10,000 आपने क्या किया, प्लस किया, तो यहाँ आया 1,00,000। जो भी संपत्ति में वृद्धि होती है तो उसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। इसके बाद दिया है आपको यंत्र, यंत्र कितना दिया है, 80,000, तो यहाँ लिखेंगे यंत्र, रकम लिखेंगे कितनी, 80,000। पुनर्मूल्यांकन खाते में देखेंगे यंत्र आपको कौन सी तरफ दिया है, उधार तरफ, तो
आपको कौन सा पुराना, 4:3:2 में क्या करेंगे, बांटेंगे, बांटेंगे तो रकम आएगी 12,000, 9,000 और कितना आएगा 6,000, 27,000 को 4:3:2 में क्या किया, बांटा। यहाँ खास ध्यान रखो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि के भी सवाल करवाए हुए हैं। इस तरफ जो दावानी खाता दिया है वो हानि है, हानि है इसके लिए पूंजी खाते के वांछित पक्ष में आएगा, उधार पक्ष में क्या करेंगे, पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में क्या करेंगे, वितरित करेंगे। तो यहाँ पर संपत्ति लेना की तरफ सब कुछ आपने लिख दिया है। अब चलते हैं अपने पूंजी दायित्व की तरफ। तो पूंजी दायित्व की तरफ सबसे पहले क्या दी हुई है, पूंजी। पूंजी जो दी होती है उसको पूंजी खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं, अपने जमा पक्ष में। क्या करके लिखा जाता है, शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितनी रकम दी हुई है, 1,50,000, 50,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,00,000, यहाँ लिखेंगे 50,000 और यहाँ लिखेंगे कितना, 50,000। पूंजी को हमेशा आप पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। यदि यहाँ पर आपको चालू खाते की बाकी दी होती तो पूंजी खाते के बदले अपने कौन सा खाता तैयार करते, चालू खाते। तो चालू खाता जब भी तैयार करो तो पूंजी को आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व पक्ष में लिखना है और चालू खाते की बाकी उधार या जमा आपको चालू खाते में दर्शानी होगी। परंतु यदि चालू खाते की बाकी न दी हो तो जो पूंजी दी है उसको हमेशा साझा के पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए या बाकी आगे लाए करके लिखा जाता है। उसके बाद अनामत करके आपको क्या दिया है, सामान्य अनामत। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अनामत हो वो साझेदारों के बीच में क्या किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। तो यहाँ सामान्य अनामत करके कितना दिया है, सामान्य अनामत आपको 36,000। कौन से अनुपात में बांटेंगे, 4:3:2 में, तो आएगा 16,000, 12,000 और कितना आएगा, 8,000। इस प्रकार सामान्य अनामत कितना दिया है आपको, 36,000। 36,000 को 4:3:2 में बांटा तो 16,000, 12,000 और कितना आया, 8,000। उसके बाद आपको दिया है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, कितना दिया है, 23,000। अब कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 23,000 जो दिया हुआ है, नीचे आपको समायोजन में दिया है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड का दावा 5,000 का है। ये 5,000 का दावा क्या है, आपके लिए दायित्व है। तो दायित्व है इसके लिए उसको कौन सी तरफ लिखेंगे, पूंजी दायित्व की तरफ। यहाँ लिखेंगे कारीगर अकस्मात दावा कितना है, 5,000। कितना दिया गया है, 5,000। अब अनामत कितना था आपका, 23,000 में से 5,000 का दावा आपने स्वीकृत किया है, तो बचा कितना आपके पास में, 18,000। 18,000 को पूंजी खाते के जमा तरफ अपने क्या करेंगे, बांटेंगे। यहाँ लिखेंगे कारीगर अकस्मात दावा, 18,000 को बांटा तो आया 8,000, 6,000 और कितना, 4,000। ओके, यदि दावा स्वीकृत ना दिया हो तो पूरा 23,000 को अपने क्या करते, पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में क्या करते, वितरित करते। उसके बाद बीच चालू दायित्व दिया है, क्या दिया है, 9% की बैंक लोन। तो दायित्व है इसके लिए पूंजी दायित्व की तरफ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक लोन। कितनी रकम दी हुई है आपको, 40,000। यहाँ बैंक लोन से संबंधित पुनर्मूल्यांकन खाते में कोई भी विवरण दिया हुआ नहीं है, तो बैंक लोन करके डायरेक्ट बार कितना लिखेंगे, 40,000। उसके बाद क्या दिया है आपको, लेनदार। तो दायित्व की तरफ दिया है तो दायित्व की तरफ ही लिखेंगे लेनदार। कितनी लेनदार की रकम दी हुई है आपको, 50,000। तो यहाँ लिखेंगे अंदर कितना, 50,000। पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा तरफ लेनदार खाता करके कितना दिया है, 6,000। तो जमा तरफ दिया है यानी दायित्व में वो क्या है, कमी है। दायित्व में जब कमी होती है तो आपको लाभ होता है, इसके लिए उसको पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखा है, जमा पक्ष में। परंतु यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे कमी या चुकाई रकम कितनी है, 6,000। तो 50 में से 6 क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ बचा कितना, 44,000। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, देनी हुंडी। कितनी दी हुई है, 20,000। देनी हुंडी में कमी वृद्धि दी हुई नहीं है, इसके लिए देनी हुंडी करके कितना लिखेंगे, डायरेक्ट बार 20,000। जिसमें कमी वृद्धि ना हो तो उसकी रकम को डायरेक्ट बार लिखेंगे, वृद्धि हो तो प्लस करेंगे, कमी हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे, चाहे वो दायित्व के अंदर हो या संपत्ति के अंदर हो। फिर दिया आपको कितना, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट आपको, 8,000। कितना दिया है, 8,000। और पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज दिया है, कितना दिया है, 1,500। तो ब्याज को हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे कितना, ब्याज 1,500। तो बाहर रकम कितनी जाएगी, 9,500। ओके, तो इस प्रकार अपने संपत्ति लेना की तरफ,
और पूंजी दायित्व की तरफ सभी दी हुई रकम को ध्यान रखिए, संपत्ति लेना की तरफ जो दिया है वो सभी संपत्ति लेना की तरफ लिखने का है। पुनर्मूल्यांकन खाते में वृद्धि कमियों को, वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो घटाना है। जो दायित्व की तरफ दिया है उसको पूंजी दायित्व की तरफ और पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। एकत्रित हानि हो तो कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे। इतना करने के बाद सबसे पहले आपको क्या, उसके बाद क्या देख लेना है, आपको पुनर्मूल्यांकन खाता देख लेना है कि इसमें से कोई रकम आपकी बाकी न हो। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के सबसे पहले उधार पक्ष में अपने देख लेते हैं। तो उधार पक्ष में यंत्र, अब तो यंत्र आपने लिख दिया है, फर्नीचर लिख दिया है, विनियोग रूपति नामक स्टॉक के असर आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज भी आपने लिख दिया है, अदत खर्च यानी चुकाना बाकी ब्याज, चुकाना बाकी खर्च अभी लिखना बाकी है। तो जो चुकाना बाकी खर्च है वो कौन सी तरफ आता है, पूंजी दायित्व की तरफ। तो पूंजी दायित्व की तरफ अपने अदत खर्च करके कितनी रकम दी हुई है आपको, 2000। दायित्व होने से चुकाना बाकी दायित्व की तरफ लिखेंगे कितना, 2000। इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में भी देखेंगे तो जमीन मकान ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने, लेनदार अप्राप्त आय अभी लिखना बाकी है। तो अप्राप्त आय का मतलब होती है मिलनी बाकी आय, तो मिलनी बाकी आय अपने कौन सी तरफ लिखते हैं, संपत्ति लेना की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे मिलनी बाकी आय, कितनी है आय अपनी, 3000। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 3000। तो इस प्रकार आप, उसके बाद आपको दी हुई है कितनी हानि दी हुई है, ये जो हानि है उसको पूंजी खाते के कौन से पक्ष में लिखते हैं अपने, उधार पक्ष में। यहाँ उधार पक्ष में पुनर्मूल्यांकन खाता करके हानि अपने कितनी दी हुई है, 18000, 13500 और कितनी दी हुई है, 9000। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, टोटल करनी है। तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष का आपने टोटल किया तो पहले का कितना आया, 1,24,000, उसमें से 12,000 और 18,000 घटाया तो यहाँ डिफरेंस कितना आया, 94,000। उसको क्या करके लिखेंगे, शेष आगे ले गए करके लिखेंगे। उसके बाद दया का टोटल किया कितना आया, 68,000, उसमें से ये दोनों रकम अपने घटाई तो रकम डिफरेंस कितना आया, 45,500। इसी प्रकार तारक का टोटल किया तो 62,000, 62,000 में से ये दोनों घटाएंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा कितना, 47,000। ये जो शेष आगे ले गए है वो है आपकी अंतिम पूंजी। इस अंतिम पूंजी को अपने क्या करेंगे, आर्थिक चिट्ठे के पूंजी दायित्व के पक्ष में पूंजी करके लिखेंगे, नाम लिखेंगे साझेदारों का और तीनों की रकम लिखेंगे और रकम को टोटल को बाहर जाने देंगे। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आर्थिक चिट्ठे को बंद कर देना है। आर्थिक चिट्ठे को जैसे ही आप बंद करेंगे तो आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग कैसा आ जाएगा, समान आ जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आप पक्की तलपट और पुनर्मूल्यांकन खाते के ऊपर से पूंजी खाता और नई पक्की तलपट तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखो सिर्फ वृद्धि कमी को ध्यान में रखना है, वृद्धि हो तो पूंजी दायित्व की तरफ या संपत्ति लेना की तरफ संपत्ति या दायित्व में प्लस करो, और कमी हो तो संपत्ति और दायित्व में से क्या करो, घटाओ। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार का एक सवाल आपको उदाहरण के अंदर भी दिया गया है, उसको आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।